पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकवाद का इतना गहरा जख्म दिया है जो कि अब किसी भी मरहम से भरने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकियों ने एक बार फिर से सीआरपीएफ के 37 जवानों पर धोखे से हमला कर एक बार फिर अपनी कायरता का सबूत दे दिया। राजस्थान के धौलपुर जिले में रहने वाले भागीरथ सिंह भी उसी ट्रक में सवार थे जिस पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने फिदायीन हमला किया था। सीआरपीएफ के जवान भागीरथ सिंह के शहीद होने की खबर मिलते ही उनके गांव जैतपुर में मातम पसर गया। पहले तो भागीरथ सिंह के शहीद होने की खबर पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन जब गांव और इलाके के लोग उनके घर पहुंचने लगे तो वहां ऐसी चीख पुकार मची थी जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। भागीरथ सिंह 6 साल पहले सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। 4 साल पहले ही भागीरथ सिंह की शादी हुई थी, लेकिन पत्नी रंजना की मांग अब सुनी हो गई है। भागीरथ के 2 बच्चों के सिर पर से भी पिता का साया अब हमेशा के लिए उठ चुका है। परिवार के लोग इस आतंकी हमले को लेकर काफी गुस्से में हैं। अब वो सरकार से आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो क्या? कार्रवाई चाहते साहब पाकिस्तान के खिलाफ, जी होना ही नहीं चाहिए, जी उग्रवाद मिटना ही चाहिए साहब। शहीद भागीरथ सिंह के पिता भी सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक किसान का बेटा सरहद पर शहीद होता रहेगा। शहीद भागीरथ सिंह के 2 मासूम बच्चों के भविष्य की चिंता भी परिवार को खाए जा रही है। उसके परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई, किसी को नौकरी मिलनी चाहिए, और ये हादसा हुआ है तो कैसे हुआ है इसका सरकार जवाब दे। पाकिस्तान आतंकवाद को पहले भी पालता था और अब भी पाल रहा है और आगे भी पालता रहेगा। अभी तक हमारी सरकार ने सिर्फ एक सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बाज आने की चेतावनी दी थी, लेकिन इतने बड़े आतंकी हमले के बाद अब पूरे देश से यही मांग उठ रही है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का इससे माकूल मौका और नहीं मिलेगा। अब अगर आतंक के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरह से हमले बार बार होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।